हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग जो डाइवर्सिटी पढ़ाया था, सेकंड सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करना करेंगे आज। उसमें हम लोग बच्चों क्या सही जो कॉन्सेप्ट से कल बताए थे कौन इसके पहले, अब जो पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट सब बताए, तो वो कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि इसमें अब जो पढ़ाएंगे उसमें भी ये लागू होंगे जितने क्वेश्चन, क्योंकि डाइवर्सिटी का पहला भी था, अब सेकेंड लेक्चर डाइवर्सिटी का ही चल रहा है, तो उसमें आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करना। हम बताने जा रहे हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिडियो कार्प्स एंड एस्को कार्प फ्लोटिंग बॉडीज। तो ये याद रखो क्या है, बेसिडियो कार्प है और एस्को कार्प है, फ्लोटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई। तो फंजाई के बारे में पूछा है, दो हैं बेसिडियो कार्प और एस्को कार्प, और फंजाई के बारे में पूछ रहा है कैन सीन। तो हम लोगों क्या है, बेसिडियो कार्प और एस्कोस कार्प, इसका एग्जाम्पल याद करना, या के याद होना चाहिए आप लोगों को, तुरंत लग जाएगा। अब हम देख बता रहे कौन कौन किसमें एग्जाम्पल है किसका है। जैसे बेसिडियो कार्प का है, देखो अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया किसका है, ड्यूट्रियोमास्टिज का, किसका है, ड्यूट्रियोमास्टिज का है, जबकि पूछा किसमें है, बेसिडियो और एस्को का, तो तुरंत ये क्वेश्चन क्या गलत हो गया, क्योंकि अगेरकस तो है इसका, बेसिडियो कार्प का अगेरकस का तो है, लेकिन अल्टरनेरिया किसका है, ड्यूट्रोमास्टिज का है, तो इसलिए क्या क्वेश्चन है, ये गलत हो गया। इसके बाद हम बी देख रहे हैं, अल्टरनेरिया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अल्टरनेरिया क्या ड्यूट्रोमास्टिज का किसका है, ड्यूट्रोमास्टिज का है, तो इसलिए क्या है, ये गलत हो गया। यूस्टिलेगो, यूस्टिलेगो ये तो मतलब उसका है बेसिडियोमास्टिज का, लेकिन क्या इसका अल्टरनेरिया भी दिया ना, इसलिए ये गलत है सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद सी ऑप्शन देखो, क्लेविसेप्स अगेरिकस रेस्पेक्टिवली, माने क्या क्लेविसेप्स किसका हो गया, एस्कोमास्टिज का हो गया, जबकि अगेरकस अगेरकस किसका हो गया, बेसिडियोमास्टिज, तो ये एक तरह का सही है ऑप्शन है। जबकि डी देखो, अगेरकस अगेरकस और पेनिसिलियम, अगेरकस और पेनिसिलियम, अगेरकस की भी इसका है एग्जाम्पल है बेसिडियोमास्टिज, और पेनिसिलियम भी है। देखो क्लेविसेप्स और अगेरकस है तो दोनों, देखो क्लेविसेप्स किसका है, एस्कोमास्टिज का, और अगेरकस किसका है, बेसिडियोमास्टिज, जबकि इसमें लिखा क्या रेस्पेक्टिवली, तो इसलिए ये गलत है, क्या ये गलत है। और जिब्दे वाला देखो, अगेरकस और पेनिसिलियम, अगेरकस किसका हो गया, इसका हो गया, पेनिसिलियम इसका हो गया, तो ये वाला सही है डी ऑप्शन, क्या है इसका सही। अब हम देखो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड, ये क्या दिया है, नॉट रिलेटेड, नॉट याद रखना, नॉट रिलेटेड विथ फंजाई, फंजाई इसके रेस्पेक्ट में निकालना है गलत कौन सा है, फंजाई के रेस्पेक्ट में निकालना है गलत कौन सा है, तो इसके क्या देखो नॉट रिलेटेड है ना, तो पहले जो नॉट दिया उसे एक दो चार बार खींच दिया करो, उसके बाद समझ में आ जाता है कि हाँ क्या पूछा है। तो फंजाई के बारे में पूछा, अब हम लोग देखो ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट मोस्टली सेलवाल मेड ऑफ सेलुलोज, देखो ये पढ़ा सेलुलोज है, जबकि सेलुलोज किसमें पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, प्लांट, और जब पूछा किसके बारे में, फंजाई के बारे में, तो फंजाई किस, ये गलत है, सेलुलोज, सेलुलोज की जगह क्या होना चाहिए, काइटिन को, ये नहीं है, क्या होना चाहिए, काइटिन, यदि हो गया तब ये सही है, यदि तो यहाँ पे क्या है सेलुलोज, तो इसलिए ऑप्शन ये क्या है गलत है, और पूछा क्या था नॉट रिलेटेड, तो आंसर तो ये सही हो गया एक तरह का, क्योंकि पूछा तो नॉट ही पूछा ना, तो आंसर हमें ये सही हो गया। अब इसको और नीचे वाले और देख लें हम लोग, मोस्टली दे आर मल्टी सेलर हेट्रोटॉपिक, मल्टी सेलर होते ही हेट्रोटॉपिक होती ही है, और यूकेरियोटिक होती है, ये सही ऑप्शन है, लेकिन पूछा क्या है नॉट, तो इसलिए हमने क्या फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या है फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद हम थर्ड देख रहे हैं, मोस्टली दे आर कॉस्मोपोलिटियन इन नेचर, कॉस्मोपोलिटियन मतलब होता है क्या, हर जगह पाया जाना, जैसे कि सॉयल है, वाटर है, हर जगह मतलब क्या अर्थ में हर जगह पाए जाने को उसे बोलते हैं कॉस्मोपोलिटियन, क्या बोलते हैं कॉस्मोपोलिटियन, मैं समझ में आया, हर जगह मान आल अर्थ पर हर जगह सॉयल वाटर एयर हर जगह पाया जाएगा उसे बोलते हैं कॉस्मोपोलिटियन, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं क्या कॉस्मोपोलिटियन। तो ये क्वेश्चन तो सही आंसर, ये तो सही है लाइन, लेकिन पूछा क्या है नॉट करेक्ट पूछा है, तो हमें नॉट करेक्ट छांटना है, किसमें छांटना है नॉट करेक्ट, तो इसलिए आंसर ये क्या ये वाला हो गया। इसके बाद डी वाला और देख लेंगे, दे सो एसोसिएशन विथ आलगी, एसोसिएशन आलगी इस करता ही है, क्योंकि लाइकन का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, तो दोनों करता है आलगी और फंजाई, आलगी और फंजाई जब बनते हैं ना, जैसे ये क्या है जी आलगी हो गई ऊपर वाली, और नीचे क्या आ जाता है ये क्या हो गया फंजाई, अब दोनों मिलकर क्या लाइकन का फॉर्मेशन करते हैं, और लाइकन का फॉर्मेशन करेगा तो ये क्या है, तो एक तरह ये क्या है
देशो एसोसिएशन वित्त अलग ही, एसोसिएशन करता ही है। देखो ना, ये फंजाई होगी ये अलग ही होगी, ये फंजाई होगी अलग ही होगी, दोनों मिला क्या लाइकन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दोनों का ये भी आंसर, ये क्या ऑप्शन सही है, लेकिन पूछा क्या नॉट करेक्ट, तो ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन हम देख रहे थे, थर्ड देख रहे हैं, थर्ड वाला देखो, ए प्रोटीनियस कवरिंग विच इलास्टिक इनफ टू इनेबल, ये पूछा है क्या है। देखो ये जो प्रोटीनियस कवरिंग इन्हें इलास्टिक है, इलास्टिक क्या है, क्या इलास्टिक, इलास्टिंग इनफ टू इनेबल, मतलब ये किसके बारे में, इतना पूछ पढ़ा है ना इसी पे तुम्हें समझ में आना चाहिए पहले से ही, किस किसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या यूग्लेनोड के बारे में, क्या किसके बारे में पूछ रहा है, यूग्लेनोड के बारे में पूछ रहा है, क्या उसी में फ्लेक्सिबल पाया जाता है, क्या उसी में पाया जाता है फ्लेक्सिबल। तो उसमें देखो, देखो हम देख रहे हैं ऑप्शन में क्या पाया जा रहा है, टर्निंग एंड फ्लेक्सिंग, देखो लिखा है फ्लेक्सिंग एंड टर्निंग ऑफ दिस सेल्स येट टू रिजिड नेफ, देखो देख रट टू यूनिट जब टू प्रिवेंट एक्सेसिव टू टू अल्टरनेशन ऑफ सेल्स, ये वाला तुम्हें याद है। तो इसमें क्या है यूग्लेनोड वाला एक तरह का निकल रहा है आंसर इसका, तुम्हें जब क्वेश्चन पढ़ो ना तुरंत आना चाहिए आंसर माइंड पे, हाँ आंसर है क्या इसका, पहले ही बन जाए तभी बनेगा, नहीं तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए टाइम लगने टाइम इसमें लगा लो, लेकिन ऑप्शन में बहुत कम समय लगना चाहिए, एक बार में आंसर आना चाहिए। अब देखो हम ऑप्शन देख रहे हैं, पेलिकल इन यूग्लेना, पेलिकल्स इन डाई एटम्स, पेलिकल इन ईस्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन गाइनोलेक्स। अब हमने पूछा अभी बताया था क्या, पढ़ते ही आंसर आना चाहिए युगलेना, तो युगलेना वाला आंसर देखो कौन सा है, पहल के लिए युगलेना, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, क्या हो गया, पहल के लिए युगलेना, क्योंकि हमने जो पढ़ा देखो इलास्टिक इनफ टू इनेबल्स टर्निंग फ्लेक्सिंग फ्लेक्सिंग सेल्स ऑफ रिजिड, ये सब किसमें पाई जाती है, युगलेना में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, युगलेना में पाई जाती है, तो इसका आंसर समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लोरेला इज प्लेस्ड इन अकॉर्डिंग टू विटेकर, इसने पूछा क्लोरेला के बारे में, क्या पूछा है क्लोरेला के बारे में, पूछा क्या पूछा है क्लोरेला के बारे में पूछा है, तो क्लोरेला कहाँ पर पहले रखा था, पहले इलर लेयर, मतलब उसने पूछा किसके में, देखो प्लेस्ड इन अकॉर्डिंग टू विटेकर्स, विटेकर के हिसाब से क्लोरेला को कहाँ रखा गया है, इससे पहले तुम्हें याद होना चाहिए इससे पहले इलर लेयर कहाँ रखा गया, तो एरलीस हम देखेंगे तब कहाँ रखा था, प्लांटी में रखा गया था क्लोरेला पहले, क्योंकि विटेकर के पहले कोई भी साइंटिस्ट आए हैं जबकि एरिस्टोटल है, तो इसमें एरलियर पहले कहाँ रखा गया था, इसे प्लांटी में रख दिया था, लेकिन अब विटेकर ने किस पे रखा था आके, विटेकर को पहले कहाँ रखा प्लांटी में, और बाद में अब कहाँ रखा गया प्रोटोजोआ में, किस में रखा गया प्रोटोजोआ में, अब प्रोटोजोआ हम जैसे हमने पढ़ा हमने प्रोटोजोआ, अब आंसर तुरंत देखो प्रोटोजोआ होगा, वो आंसर लग जाएगा, कौन लग जाएगा, जो भी प्रोटोजोआ होगा, अब देखो फर्स्ट देखो प्रोटोजोआ ने प्रोटिस्टा कहाँ है, जिका पोर फायर तो फाइटर बंद करो, गलत हो गया, सॉरी सॉरी कहो मैम, कहो प्रोटेस्टा के बारे में बोलना चाह रहे थे, वो प्रोटोजोआ निकल रहा था, किसके बारे में प्रोटेस्टा के बारे में बोलना चाह रहे थे, लेकिन क्या निकल रहा था प्रोटोजोआ, तो ये प्रोटेस्टा आंसर है, जो जो हम पढ़ा दिए ना पहले, क्लोरेला प्लेस्ड इन अकॉर्डिंग टू विटेकर्स, मतलब पहले प्लांटिंग रखा गया था और विटेकर के हिसाब से किसमें रख दिया था हमने, प्रोटेस्टम रख दिया, जो कि हमने पहले भी क्या बोला था प्रोटोजोआ, जो गलत है, प्रोटो जो हमने किस में रखा था प्रोटिस्टम रखते हैं, तो वो निकल गया था, तो उसका आंसर देखो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये प्रोटेस्टा है, ये आंसर है क्या है प्रोटेस्टा आंसर, प्लांटी तब जब देखोगे तब क्या इरलिया, जब पूछे इरलिया, जब क्या पूछे तुम्हें क्लोरेला या क्लियोमाइडोमोनस, क्लोरेला या क्लियोमाइडोमोनस तुम्हें पूछे इरलियर, इरलियर कब पहले कहाँ रखा गया, तब तुम लगाओगे क्या प्लांटी, लगाओगे क्या लगाओगे प्लांटी, यदि बाद में पूछा तब कहाँ रखोगे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टा में रखा गया। अब हम लोग क्या अगला क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोविंग करेक्ट अबाउट स्लाइम मोल्ड, मैंने स्लाइम मोल्ड के बारे में करेक्ट पूछा क्या होगा, ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले जब स्लाइम मोल्ड पढ़ लिया ना तो पहले ही तुम्हें आने चाहिए अंदर से, हम क्या क्या स्लाइम मोल्ड के बारे में बताते हैं, क्या स्लाइम मोल्ड के बारे में पहले ही समझ में आ जाना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड तो हमें पता, आप बता रहे हैं कौन कौन से, देखो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज कॉल स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बोलते हैं या स्पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पोरेंजियम या स्पोर, दोनों जो एनसीईआरटी में लिखा है स्पोर लिखा है, जो कि आगे क्या लिखा है स्पोरेंजियम, तो ये थोड़ा बाहर से है लेकिन ये क्या है ऑप्शन ये सही है पूरी तरह, तो क्या स्पोरेंजियम बोलते हैं या स्पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं
स्पोर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्पोर। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। जब पूछा क्या है, स्लाइम मोल्ड्स, तो ये वाला ऑप्शन सही है फर्स्ट। इसके बाद सेकंड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सेकंड वाला देख रहे हैं। सेकंड में स्पोर्स डू नॉट हैव ट्रू सेल वाल। अब तुम्हें पता होना चाहिए सेल वाल स्लाइम मोल्ड का कैसा होता है। ट्रू सेल वाल का फॉर्मेशन करता है कौन, ट्रू सेल वाल का फॉर्मेशन करता है, जबकि इसमें क्या लिखा है देखो, स्पोर्स डू नॉट लिखा है, जबकि सेल वाल ट्रू का ट्रू करता है। तो ये क्या गलत क्वेश्चन है, एक तरह गलत होता ऑप्शन है ये वाला। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देख रहे, देयर स्पोर्स आर डिस्पर्ज बाई एयर करंट। ये बिल्कुल सही है, एयर करंट के द्वारा स्पोर डिस्पोजन होता है इसका, स्पोर का जो स्पोर बनाएगा, जैसे जो स्पोर बनाए तो स्पोर का किसका डिस्पोजन किसके द्वारा होगा, एयर के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, एयर के द्वारा होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम फोर्थ देख रहे हैं, बींग्स एक्सट्रीमली रजिस्टेंट टू स्पोर्स इज ए सर्वाइव फॉर मैनी ईयर। ये भी सही है, क्योंकि ट्रू वाल का फॉर्मेशन हुआ ना, और ट्रू वाल क्या टफ बनता है एक तरह का, तो वो के इसके कारण क्या अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या ये जिंदा रहता बहुत ईयर तक, कितने तक, बहुत ही ज़्यादा ईयर तक जिंदा रहता, ये तब सही है, तब ये भी एक तरह सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं, प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू ए सेवरल फीट। ये भी सही है, प्लाज्मोडियम ग्रो करता है सेवरल फीट तक, जैसे ये भी सही है। टुग एंड फीट लिखा है एनसीईआरटी में, टुग एंड फीट, तो ये क्या सेवरेज करता है, तो ये भी सही है। अब देखो कौन कौन से सही है, देखो सेकंड वाला तो गलत ही हो गया, स्पोर डू नॉट ट्रू सेल वाल, तो यदि नॉट ना होता तो ये सही हो जाता, तो ये तो गलत ही है। अब कौन सा गलत, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, फिफ्थ सही है, तो ये वाला देखो फर्स्ट, फिर उसके बाद कौन सा है, थर्ड, फर्स्ट थर्ड, ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाला सही है, ये ऑप्शन सही है, हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इन बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में पूछा, देखो बेसिडियोमाइसिटिस पूछा है, एक गोला करके दिया करो जिसमें जिसके बारे में पूछा हो, तो बेसिडियोमाइसिटिस कैरियोगेमी एंड म्यूसिस टेक्स प्लेस। अब इसमें हमने बताया था, तीन बताए थे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तीन बताए थे हमने फंजाई का, क्या बताया था हमने, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी म्यूसिस, जी हमने कल बताया था, जो कल लेक्चर आया था, अगले लेक्चर था वो आप जरूर देखना एक बार, क्योंकि इसमें हमने बताया था, इसमें भी थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं एक बार, लेकिन बताया था अगले बारे में उसमें देखने जरूर है, तो हम बता दे रहे कैसे तीन होते हैं, कौन कौन से, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी म्यूसिस, तो हम बता रहे हैं तीन है। जैसे ये क्या है, हमने बताया प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी एंड म्यूसिस, तो फर्स्ट में जैसे एन है, हैप्लोइड है, क्या है, हैप्लोइड है, जब फर्स्ट हम फ्यूजन कराते हैं, फ्यूजन जब इसका कराएंगे किसका, साइटोप्लाज्मा का, क्या साइटोप्लाज्मा जब फ्यूजन कराते हैं उसे बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। अब इसका दोनों को फ्यूजन हो गए, लेकिन जो हैप्लोइड है, हैप्लोइड ये हैप्लोइड बने रहेंगे, हैप्लोइड बने रहेंगे किसमें, बेसिडियोमाइसिटिस में और एस्कोमाइसिटिस में, जबकि फाइकोमाइसिटिस क्या होता है, इमीडिएटली फ्यूजन होता है, क्या होता है, इमीडिएटली फ्यूजन होता है, हम देखो दिखा रहे हैं अभी, ऐसे फ्यूजन होता है, एन जे है एक, हैप्लोइड कंडीशन जे है, देखो हैप्लोइड अभी भी बना है, तो हमने क्या फर्स्ट कराया, प्लाज्मोगेमी कराया, क्या कराया, प्लाज्मोगेमी कराया अभी, अब सेकंड हम क्या कराएंगे, कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी कराते हैं तब ये फ्यूजन होता है, 2N बनता है, और 2N से क्या बन जाएगा, अब हम क्या करा देंगे, म्यूसिस, ये क्या कराया, कैरियोगेमी कराएंगे, इसके बाद जब हमने कैरियोगेमी का फ्यूजन करा दिया, इसके बाद फ्यूजन किसका हो रहा है, न्यूक्लियस का फ्यूजन कराया, कैसा कराया मैंने, न्यूक्लियस का, एन जे हैप्लोइड जे हैप्लोइड जे, क्या बन गया, डिप्लोइड बन गया, इसके बाद क्या म्यूसिस कराएंगे, और म्यूसिस में दोबारा ये क्या हैप्लोइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और म्यूसिस कराने से एक नहीं बहुत सारे हैप्लोइड बनेंगे, स्पोर एक दो मैंने बहुत सारे बनेंगे, हैं और बहुत सारे बन के ये क्या न्यू फंजाई का बाहर निकल जाएंगे, ये बाहर निकलेंगे तो क्या है स्पोर बना जो न्यू न्यू फंजाई, न्यू फंजाई फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हुआ है, तो हमें अब यही देखना है किसमें, बेसिडियोमाइसिटिस में बताना, कैरियोगेमी एंड म्यूसिस टेक्स प्लेस किसमें पाया गया है। अब देखो फर्स्ट
बेसिडियम, तो हमें पहले पता होना चाहिए, हमने बताया था बेसिडियो कार बेसिडियम, तो ये जो वाला ये कंडीशन बन रही थी, तो ये एक तरह ये बेसिड, तो ये वाला है बेसिडियम ही, यही आंसर हो गया बेसिडियम। एस्कस एस्कोमास्टिडियम में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? एस्कोमास्टिडियम में पाया जाता है, जबकि पूछा क्या बेसिडियोमास्टिज के बारे में पूछा है, तो एस्कस है जी तो कोई है ही नहीं, गलत है। बेसिडियो स्पोर, स्पोर बनता है, जबकि पूछा क्या है? म्यूसिस और कैरियोगेमी ओनली, तो इसमें पाया जा रहा, तो ये वाला है ही नहीं। और ये डाइकैरियोटिक फेज, और माइसिलियम लिख दिया है, डाइकैरियोटिक फेज लिख देता है तो सही हो जाता, जबकि क्या माइसिलियम लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। अब देख रहे हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन, क्या देख रहे हैं? सेवेंथ क्वेश्चन देख रहे हैं, सेवेंथ देखो, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दैट मीन्स, मतलब दो होते हैं इसमें, ऑब्लिगेट होता है और फैकल्टेटिव होता है। ऑब्लिगेट होता है जे जब 100% डिपेंड होता है किसी पर, ऑब्लिगेट उसे बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट। जबकि क्या फैकल्टेटिव, मतलब क्या डिपेंडली, मतलब पार्शली डिपेंडली होता है, क्या होता है? पार्शली डिपेंडली होता है, एक पे यदि उसके पास भोजन खत्म हो गया तो वो दूसरे पर जा सकता है, जबकि वायरस का क्या है, एक पे रहेगा ही, यदि दूसरे गया जा नहीं पाएगा, क्योंकि जो जो क्या पैरासाइट खत्म हुआ उसके बाद, तो ये भी साथ में खत्म हो जाएगा वायरस, तो वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, 100% ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, क्या होता है? ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव मतलब अल्टरनेटिव, सोचने वाला होता है, मतलब बदलने वाला, लेकिन ये अल्टरनेटिव, ये फैकल्टेटिव नहीं होता, क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा कैसा है ये, फिर देखो, फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इसेंशियली ऑफ लिविंग होस्ट सेल्स इज रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल सही है, मतलब यही सही है। तब देखो आप आगे देखो, फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन बोथ ऑफ लिविंग सेल्स एंड डेड, ये देखो लिखा है, डेड पर कभी भी क्या है, डेड पर कभी भी क्या लिविंग नहीं रह सकता, कौन? वायरस। तो डेड पर क्या कर जाता है, मर जाता है, मतलब कुछ समय तक रहता है, इसके बाद चला जाता है, तभी तो क्या है कोरोना वायरस, अभी देखो ना कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी बार, लेकिन कभी जब भी 1-2 घंटे में ये भी खत्म होता है इसमें, तो ये वाला देखा गया है। इसके बाद देखो जी, फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन ओनली प्लांट दे दिया है, ओनली प्लांट, जबकि क्या दोनों में होता है, एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, तो ओनली प्लांट दिखा, इसलिए ये गलत है। और ये देखो मल्टीप्लीकेशन ओनली एनिमल इसमें दे दिया खाली, तब भी गलत हो गया, क्योंकि बोथ में होता है ना, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, किसमें? प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, तो इसलिए दोनों गलत हो गया। तो आंसर ये क्या है, ये वाला है, फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन एसेंशियली लिविंग होस्ट सेल इज रिक्वायर्ड, ये सही है। पढ़ाओगे के लिए इतना ही है, अब हम कल आएंगे तो इसकी सीरीज का थर्ड वाला लेक्चर लगाएंगे, कल डालेंगे, हैं इसके बाद नहीं करना आप।